माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ब्लूमी रोज एकेडमी लेक्चर सेकेंड क्लास है। आज जो हम पढ़ेंगे, इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर में हमने भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा कि भाषा क्या है, फिर भाषा के रूप मतलब विभिन्न भाषाओं का जो स्वरूप है वो पढ़े, लिप पढ़े, व्याकरण पढ़े। व्याकरण में मैंने बताया था कि व्याकरण के तीन अंग माने जाते हैं, जिसमें पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो इसी व्याकरण के एक अंग को हमको आज आपके सामने है वर्ण विचार, यानी पहला जो अंग है व्याकरण का वो हमको पढ़ना है वर्ण विचार। यह वर्ण विचार क्या है, यानी वर्ण विचार में यानी जो वर्ण है यानी वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्णों की बनावट कैसे है, वर्ण कैसे मिलकर बनते हैं यानी वर्णों से शब्द कैसे बनते हैं, यानी इसी के बारे में अध्ययन करना ही वर्ण विचार कहलाता है। तो हम आइए जानते हैं, अब हम पढ़ते हैं वर्ण। यानी हम जो कुछ बोलते हैं हम वाक्य में बोलते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आज मैं जा रहा हूँ, जैसे मैं कह दूँ कि मैं जा रहा हूँ, ये हमारा क्या है, एक वाक्य। यह वाक्य देखा जाए तो चार शब्दों से मिलकर बना है और प्रत्येक एक शब्द वर्णों से मिलकर बना है, यानी यह कह दिया जाए यह क्या है, वाक्य है। और शब्द की बात किया जाए तो एक दो तीन चार, इसमें शब्द जो है वो चार है, यानी मैं एक शब्द हो गया, जा एक शब्द हो गया, रहा एक शब्द है और हूं एक शब्द है। लेकिन हम यही अलग कर दें, इस रहा को थोड़ा जाए तो हम जनरल तौर पे देखेंगे र और हा, यही दो शब्द को देख रहे हैं, लेकिन यह सही नहीं है। अब इसको हम तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे देखेंगे र से निकालेंगे र धन अ और ह धन आ, यानी हमने देखा कि जो ये रहा में चार वर्ण, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है यानी यह वर्ण, अब इसको और नहीं तोड़ सकते हैं, यानी यह वर्ण का सबसे छोटा रूप है, मतलब इससे और अधिक खंड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे वर्ण को कह सकते हैं अखंडित। यानी हमारे मुंह से निकलने वाले ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, यानी जो वर्ण है यानी अखंडित है, यानी कहने के बाद कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको और खंडित न किया जा सके, या वह ध्वनि जिसके और छोटे से छोटे टुकड़े न किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। दूसरी एक भी परिभाषा है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी क्या कह रहे हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण। एक और भी ये बहुत बड़े लेवल में भी पूछा जाता है और छोटे लेवल में भी ये पूछे जाते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। अभी आप देखेंगे कि जैसे अभी टीचर की जो रिक्वायरमेंट आते हैं, जैसे BTC यानी TLED या BEd लोग करते हैं, तो उसका जो वो टीचर के लिए जो रिकमेंड करते हैं, एग्जाम होते हैं जिसको हम आप कह सकते हैं टेट की परीक्षाएं, उसमें सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण। अब एक प्रश्न और बनता है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो वह हमारे सामने लिखा है वाक्य। यानी आप जान गए, दो क्वेश्चन जान गए, बड़े लेवल से लेकर छोटे तक के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य। और एक परिभाषा मैंने बताया, अब इसे सामने आप दो दो परिभाषाएं वर्ड की देख रहे हैं कि यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है और
वह ध्वनि जिसके और अधिक खंड न किए जा सके उसे भी हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। हम वर्ण जान गए, अब जानेंगे वर्णमाला। यानी वर्णमाला क्या है, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जो वर्ण है यानी उसके क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं क क ग ग म, यानी हम यही जो वर्ण हमारे हैं यानी क ख ग घ ङ, यानी इसी को हम क्रमबद्ध रूप में रख रहे हैं। यदि हम इसको ये नहीं कि इधर उधर रखेंगे, यानी क्रमबद्ध में ही रखेंगे और इसके व्यवस्थित रूप को ही वर्णमाला कहते हैं। अब जानते हैं कि वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। वो 52 वर्ण कैसे बनते हैं तो हम आपको बताते हैं कि यह 52 वर्ण वर्णमाला के कैसे बनते हैं। जबकि हम जानते हैं कि वर्ण के दो ही भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। हम जानते हैं कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। यानी स्वर 11 और व्यंजन 33, तो कुल देखा जाए तो 11-33 मिलाकर 44 वर्ण होते हैं। तो हमारे आपके सामने एक प्रश्न उठता है कि सर जब 11 और 33 होता है यानी कुल मिलाकर 44, तो यहाँ 52 वर्ण कैसे होते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ण भी होते हैं जो हिंदी यानी जो हमारी देवनागरी लिपि में समाहित किए संयुक्त रूपों में और कुछ अलग से लिखा, तो वो जानेंगे कि कैसे। तो देखा यहाँ वर्णमाला जो 52 वर्ण कैसे आते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे तो ये आपका देखा जाए तो क वर्ग है। अब यही हम कह दे च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी ये 5 वर्ग हैं। अब इन 5ों का आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या है, 25 वर्ग, 25। और ये 25 है यानी इसको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। यानी यहाँ व्यंजन हमने शुरू किया है। अब ये 25 वर्ग, इसके बाद होता है देखते हैं या, ला, ला, ला। इनकी जो संख्या होती है 4, इसको हम कहते हैं अंत, या इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं अर्श्वर। फिर आगे देखते हैं इसमें भी संख्या जो होती है 4, जिसको हम कहते हैं उष्म व्यंजन। फिर आगे 2 वर्ण लिए जाते हैं जिसको हम, ये 2 जो होते हैं इसको हम कहते हैं उत्क्षिप्त क्षिप्त। इसके बाद 4 जो हमारे व्यंजन हैं, छ, त्र, य और स्र, ये जो 4 हैं इसको हम कहते हैं संयुक्त। ये तो व्यंजन है, जोड़ा जाए तो 4, 2, 6, 10, 14, 14, 5, 19 और 39।
व्यंजन के थे। अब जो बाकी जो वर्ण रखते हैं वो हमारे स्वर के, तो स्वर हम जानते हैं स्वरों की संख्या क्या है, 11। वो 11 यानी 39 और 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 50। अब दो और बचते हैं, दो जो होते हैं वो होते हैं अयोगवा, अयोगवा जिसकी संख्या होती है दो। अयोगवा में जो होता है उसको कहते हैं अंग और अ, यानी इसको कहते हैं अनुस्वार और इसको कहते हैं विसर्ग, यानी यही दो 50 दो मिलकर क्या होते हैं 52, यानी यही जो है इसी को हम क्या कहते हैं वर्णमाला, यानी हम कहते हैं कि कुल वर्णों की जो संख्या होती है वह 52 होती है, यानी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वह 52 है। तो हम वर्ण की परिभाषा जानते हैं कि वह ध्वनि जिसके और अधिक खंड न किए जा सके उसे हम क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं, यानी भाषा की छोटी इकाई। यानी हम अभी बताया कि वर्ण की जो परिभाषा एक बार और पुनः देख लेते हैं कि वह ध्वनि जिसके और अधिक खंड न किए जा सके या सार्थक खंड न किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को भी हम क्या कहते हैं वर्ण। वर्णमाला देखते हैं यानी वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, यानी कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। ऐसे देखा जाए तो स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33 होती है। तो प्रश्न उठता है कि यहाँ वर्णमाला की संख्या 52 कैसे होती है, तो ये आपको मैंने समझाया कि स्वरों की संख्या 11 होती है, यानी हिंदी में स्वरों की संख्या 11, यानी कहाँ से कहाँ तक अ से लेकर अ तक अ तक की जो 11 स्वर के वर्ण होते हैं वो स्वर होते हैं। जो इसके अलावा दो और होते हैं अंग और वह स्वर नहीं होते हैं, उन्हें हम अयोगवा कहते हैं। तो वो यानी 11 2 13 अयोगवा कहते हैं, यानी कुल देखा जाए तो स्वर की संख्या 13 हो गई। और व्यंजन में देखते हैं व्यंजन को जो बांटा गया है व्यंजनों की जो संख्या है, यानी जो क वर्ग च ट त और प वर्ग होते हैं, यानी कुल इनकी संख्या 25 होती है जिसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर य र ल होता है वह अंतस्थ व्यंजन या जिसको अर्ध स्वर भी कहते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। स ष स ह जो इनकी भी संख्या 4 होती है इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और दो अलग से ड और ढ में ही नीचे बिंदी लगाकर यानी नुक्ता लगाकर इन्हें बनाया जाता है जिसको हम उत्क्षिप्त यानी दो वर्ण होता है जिसे क्षिप्त कहते हैं। छ त्र ज्ञ अश्र जिनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं जिनकी संख्या 4 होती है। ऐसे कुल मिलाकर 13 और 39 मिलाकर कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अब अगले जो लेक्चर में हम वर्ण के भेद पढ़ेंगे। और थैंक यू फ्रेंड्स।